हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए कच्चे आम की जैम की रेसिपी लेकर आए हैं। गर्मियों का मौसम आ चुका है और कच्चा आम किसको पसंद नहीं आता। हमने इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है और छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी जैम की रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून काजू को रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए हम 2 से 3 चीज़ों को पहले ही रोस्ट कर लेंगे। काजू हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम जीरा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जीरा लिया है। रोस्ट होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए, इसे प्लेट में निकाल के अब हम इसे पीस लेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, लेकिन हम इसे थोड़ा ही यूज़ करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे डालिएगा। ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और बाद में इसको भी हम पीस लेंगे। तो आइए जैम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 रॉ मैंगो लिए थे, जिसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। ये 250 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, यानी कि ये 1 कप है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी ली है। आप चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो इक्वल रेशियो भी रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि चीनी हमारी अच्छे से घुल नहीं जाती। ये देखिए, चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। अब हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे हमें लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। ये देखिए, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। आइए चेक कर लेते हैं। हमारा जो आम है वो आधा पक चुका है और हमारी जो चाशनी है वो गाढ़ी होने लगी है। अब हम इस स्टेज पे इसमें नमक डाल देंगे। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे और अब हमें इसे चलाते रहना है और पकाते रहना है। धीरे धीरे हमारी जो जैम है वो गाढ़ी होने लगेगी। ये देखिए, हमारी जैम जो है वो गाढ़ी होने लगी है। इसे अभी हमें थोड़ा और पकाना है, उसके बाद हम फ्लेम इसका बंद कर देंगे। आइए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये देखिए, इतनी हमारी चाशनी इसमें होनी चाहिए। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे जो हमने रोस्ट किया था 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे और जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें हमने छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए डाली हैं। इसे अब हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा ये गाढ़ी होगी उतनी ज़्यादा ये हार्ड हो जाएगी। ये देखिए, इतनी कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। अब हम इलायची पाउडर डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। साथ में अब हमने जो काजू रोस्ट किए थे उसे डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका जो क्रंची फ्लेवर है वो जैम में बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैम हमारी ठंडी हो चुकी है, आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, जब हमने इसे बंद किया था तो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी, और जब ये ठंडी हो चुकी है तो ये थोड़ी और गाढ़ी हो गई है। आप इन्हें बच्चों को सैंडविच के साथ या फिर रोटी के साथ दे सकते हैं, ये उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। इसमें मिर्च मसाले बहुत ही कम का यूज़ किया है हमने। तो है ना, बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली है रेसिपी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और मेरी रेसिपीज़ को ऐसे ही देखते रहिए। मैं ऐसी नई नई वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।